ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ओडिशा ट्रिपल एससी रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में, यानी कि ओडिशा के अंदर एक जो नई भर्ती आई है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। बोर्ड नेम ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OSSSC बोलते हैं। नेमो पोस्ट जूनियर क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट की है। वैकेंसी 1740 है, यानी कि इसके अंदर कुल 1740 पद खाली है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप इसमें थ्रू ऑनलाइन ही आवेदन कर पाओगे, किसी अन्य मोड से आपके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट www.OSSSC.gov.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 29 दिसंबर 2018 है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 6 फरवरी 2019 है, यानी कि 29 दिसंबर 2018 से लेकर 6 फरवरी 2019 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, ये भर्ती ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। लोकेशन ओडिशा, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग ओडिशा के अंदर होगी। एज लिमिट 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स, यानी कि जो लोग इसमें आवेदन करेंगे उनकी उम्र 21 साल से लेकर 32 साल के बीच में ही होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटर्न एग्जाम, एजुकेशनल अचीवमेंट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में बता देता हूं। जूनियर क्लर्क के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए 54 पद निकाले गए हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए 82 पद निकाले गए हैं, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के लिए 154 पद निकाले गए हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए 18 पद है, रेवेन्यू एंड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए 920 पद है, सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट के लिए 45 पद है, स्टील एंड माइंस डिपार्टमेंट के लिए 9 पद है। अब ये सारे जो पद मैं आपको बता रहा हूँ ये जूनियर क्लर्क पोस्ट के इन डिपार्टमेंट्स के अंदर निकाले गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के डिपार्टमेंट के पद। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए 243 पद है। जूनियर क्लर्क स्पेशल ड्राइव फॉर SC ST बैकलॉग वैकेंसी की मैं जानकारी आपको दब दे रहा हूँ। फाइनेंस डिपार्टमेंट के 89 पद है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के 27 पद है, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए 105 पद है, जो कि कुल सभी पद मिलाकर के 1740 होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आपके पास +3 एग्जामिनेशन और सच अदर क्वालिफिकेशन एज आर इक्विलेंट +2 +3 एग्जामिनेशन, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की योग्यता होनी चाहिए इन बेसिक कंप्यूटर, और साथ ही आपको इन बेसिक कंप्यूटर स्किल्स की जानकारी भी होनी चाहिए। एज लिमिट, यानी कि जो लोग इसमें आवेदन कर रहे हैं उनकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। फॉर जनरल UR कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 32 साल है एज ऑन 1/4/2018, यानी कि आपकी उम्र 32 साल की 1/4/2018 तक हो जानी चाहिए, यानी कि अगर आपकी उम्र इस डेट से बाद की अगर 32 साल है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। रिलैक्सन इन अपर एज लिमिट, यानी कि आपको छूट कितनी दी जा रही है। 5 ईयर फॉर SC ST SC BC वुमेन कैटेगरी कैंडिडेट्स, 3 ईयर्स फॉर OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स, यानी कि 5 साल की तो आपको SC ST के लिए दी जा रही है और 3 साल की OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए छूट दी जा रही है। और साथ ही मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 32 साल के बीच में है सिर्फ वही लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। पे स्केल, यानी कि सैलरी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो लोग इन पदों पर आवेदन करेंगे या कर रहे हैं उन्हें जो सैलरी दी जाएगी नियुक्त हो जाने के बाद वो होगी 5,200 से लेकर 20,200, साथ ही आपको 1900 रुपये का ग्रेड पे भी दिया जाएगा और अलग से आपको 8,800 पर मंथ रेम्यूनेशन, जो कि आपको रेम्यूनेशन दिया जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी कि जो लोग इसमें आवेदन कर रहे हैं उनका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन रिटर्न एग्जामिनेशन, पर्सनल इंटरव्यू और एजुकेशनल अचीवमेंट के आधार पर किया जाएगा। अगर आपने बेसिकली 2 टेस्ट क्लियर कर लिए तो आपका सिलेक्शन इसमें होना तय है। इंपॉर्टेंट डेट्स, दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ, क्योंकि किसी भी भर्ती के लिए उसकी डेट्स ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपकी आवेदन शुरुआत होने की तिथि 29 दिसंबर 2018 टू 29 जनवरी 2019, यानी कि 29 दिसंबर 2018 से लेकर 29 जनवरी 2019 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन,
29 दिसंबर 2018 टू 6 फरवरी 2019, यानी कि 29 दिसंबर 2018 से लेकर 6 फरवरी 2019 तक आप इसमें आवेदन करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी यानी कि एप्लीकेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2019 इस तिथि से लेकर इस तिथि के बीच आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करानी होगी। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी बाय ट्रेसरी चलान, यानी कि जो आप एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट करेंगे इसके ट्रेसरी चलान के द्वारा उसकी लास्ट डेट क्या है, 30 जनवरी टू 6 फरवरी 2019, यानी कि इसकी भी 6 फरवरी 2019 इस मोड द्वारा एप्लीकेशन फ़ीस एग्जामिनेशन फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि है। हाउ टू अप्लाई फॉर OSSSSC जूनियर क्लर्क रिक्रूटमेंट 2019, यानी कि आप इस भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें, इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके उस पेज पर चले जाना है जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है और आपको अपने फॉर्म के अंदर सारी जानकारी भर देनी है जो कि वहां पर मांगी गई हो, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और भी अन्य जानकारी उसके अंदर आपको महत्वपूर्ण भरनी है। उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर देनी है जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। और इसके बाद बस आपको अपना फॉर्म एक बार फिर से चेक कर लेना है कि कहीं पर आपके द्वारा जो डिटेल्स भरी गई है वो गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो आपको उसके वहीं के वहीं सही कर लेने हैं, क्योंकि शायद इसके बाद आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद बस आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है और फॉर्म सबमिट करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक फोटोकॉपी जरूर ले लें, और यदि आप अपना फॉर्म फोन से फिल कर रहे हो तो कम से कम आप फॉर्म सबमिट हुए का एक प्रिंट आउट यानी कि स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, यानी कि कौन सी कैटेगरी को आवेदन करने के लिए कितनी एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। जनरल OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स को ₹100 एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में देने होंगे। SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स को इसमें आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार की फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि नील है, नील मतलब मुफ्त, यानी आप लोग मुफ्त में आवेदन कर सकते हो। और दोस्तों जिन्हें जैसे कि जनरल OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स को जो ₹100 एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी है, उन्हें फ़ीस थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो मैंने आपको माध्यम बताया है एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने का, इस माध्यम से भी आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करा सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि सर कैसे हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और कैसे हम अप्लाई ऑनलाइन लिंक ढूंढें, तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशानी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और साथ ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाओगे, रीड कर पाओगे। साथ ही आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक का यूज करते हुए आप डायरेक्टली उस पेज पर चले जाओगे जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है और आप अपना फॉर्म बहुत ही आसानी से भर पाओगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दूं। दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग मुझको बोलते हैं जो मैं जानकारी डालता हूं वीडियो के रूप में कि आप सर गलत जानकारी देते हो, तो इसलिए मैं आपको इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा रहा हूं। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप इसमें डेट्स चेक कर सकते हो, जो डेट्स मैंने बताई हैं वो डेट्स है या के नहीं, कि ये भर्ती अनाउंस भी हुई है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं वीडियो देखने के बाद कि सर आपने गलत जानकारी दी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आप ये वीडियो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी चेक कर सकते हो और जानकारी मिलान कर सकते हो जो कि मैंने बताई है। और अगर आपको जो मैंने जानकारी दी है इससे अलावा भी आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में या इस भर्ती से रिलेटेड कुछ भी अन्य जानकारी आपको चाहिए, तो आप उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो, क्योंकि इसके बारे में इसमें इस नोटिफिकेशन में भर्ती के बारे में सभी जानकारी अच्छे से दी गई है, जो कि मैंने आपको कुछ छांट करके एक एक करके अपने तरीके से बताई है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसे चेक कर सकते हो, और अगर आपको इसमें से कुछ डिटेल समझ में ना आए तो आप मुझे उसके लिए कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा, जैसा कि मैंने आपको कहा मैं आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि उसी से आपको जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा वो मिलती रहेगी।